नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट वी एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। बिटवाइज ने अपनी बिटकॉइन और इथेरियम मार्केट कैप ETF की मांग वापस ले ली है। इस ETF के जरिए इन्वेस्टर को बिटकॉइन और इथेरियम के कम्बाइंड मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाले शेयर्स आसानी से खरीदने और बेचने का मौका मिलता था, लेकिन बिटवाइज ने अपनी मांग वापस ले ली है। मतलब कि यह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अभी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। बिटवाइज की मांग वापस लेने का कारण कुछ रीजंस पर डिपेंड कर सकता है, जैसे कि रेगुलरिटी कंसर्न या मार्केट कंडीशन। हर हालत में इसका मतलब है कि अभी के लिए इन्वेस्टर को इस विशेष बिटकॉइन और इथेरियम ETF का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर वो चाहे तो इन क्रिप्टो करेंसी में दूसरे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह खास ETF अभी के लिए ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन अगस्त 2023 में कुछ हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। इसकी कीमत इस महीने 11% तक घट गई है, जिससे इन्वेस्टर के बीच चिंता का वातावरण पैदा हुआ है। अब एक्सपर्ट दिखा रहे हैं कि बिटकॉइन को एक बड़ा गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें यह $23,000 तक भी गिर सकता है। इसकी कीमत घटने के चलते क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कई लोग परेशान हैं। इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं। मार्केट की असर, रेगुलरिटी लर्निंग्स की असर और माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर सभी बिटकॉइन की कीमत के आसपास का अनस्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इन्वेस्टर को सावधानी बरतना चाहिए और मार्केट को ध्यान से देखने की सलाह दिया जाता है। जब तक बिटकॉइन की कीमत में स्टेबिलिटी नहीं आती है, तब तक क्रिप्टो मार्केट ने अपने समय के साथ अप एंड डाउन ट्रेंड देखा है, पर हाल ही की स्थिति में वो लोगों से अलर्टनेस की मांग करते हैं जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। पॉपुलर वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो GTA के मालिक सनफ्लावर लैंड के साथ ब्लॉकचेन गेमिंग के दुनिया में डेयरिंग कदम उठा रहे हैं। इस नए गेम में बिटकॉइन कैसीनो और वर्चुअल दुनिया के TATV मिलते हैं, जो Web3 टेक्नोलॉजी के एक्साइटिंग मौके को अपनाती है। सनफ्लावर लैंड में प्लेयर GTA की तरह एक डिजिटल यूनिवर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, यह ब्लॉकचेन पर आधारित है। इसका मतलब है कि गेम के अंदर के एसेट और ट्रांजैक्शन को एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर पर सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप को इंश्योर करता है। सनफ्लावर लैंड का एक मेन फीचर है कि इसमें एक बिटकॉइन कैसीनो है, जहां प्लेयर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि वे क्रिप्टोकरेंसी रिवॉर्ड जीत सकते हैं। यह गेमिंग और क्रिप्टो एक्साइटमेंट का एक अनोखा मिशन है, जो गेमर्स और ब्लॉकचेन एंथुसियास्ट दोनों के ध्यान को अपनी ओर खींचता है। गेम के डेवलपर्स का पर्पस प्लेयर के लिए एक मजेदार और इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाने का है, जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इंटरेस्ट का भी फायदा उठा रहे हैं। सनफ्लावर लैंड एक ऐसा एग्जांपल है जहां ट्रेडिशनल गेमिंग और ब्लॉकचेन मिलकर कुछ नया और एक्साइटिंग पेश कर रहा है। Web3 टेक्नोलॉजी की उन्नति के साथ हमें ऐसा और भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट जैसे सनफ्लावर लैंड की उम्मीद है, जो ट्रेडिशनल गेमिंग और क्रिप्टोकरेंसी के डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया के बीच एक नया और एक्साइटिंग ब्रिज बनाएगा। इस क्रॉसओवर से गेमिंग का फ्यूचर शेप होगा और गेमर्स और ब्लॉकचेन एंथुसियास्ट के लिए एक नया अवसर पैदा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बाइनेंस ने अनाउंस किया है कि वो अगले साल बाइनेंस USD यानी कि BUSD स्टेबल कॉइन का सपोर्ट बंद करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि BUSD के ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन बाइनेंस पर अब अवेलेबल नहीं होंगे। बाइनेंस ने BUSD के प्लेस पर पैक्सो स्टैंडर्ड यानी कि PAX स्टेबल कॉइन को एक नया ट्रेडिंग ऑप्शन के रूप में लाने का प्लान बनाया है। इस स्टेप से बाइनेंस के स्टेबल कॉइन ऑप्शंस में बदलाव आ रहा है और इससे वो यूजर्स पे भी असर पड़ सकता है, जो BUSD को प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। पॉलीगॉन ने एक ओपन सोर्स डेवलपमेंट किट रिलीज किया है, जिससे उन्होंने अपने इकोसिस्टम को एक्सपांड करने का एम किया है और ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट को आसान बनाया है। इस कदम से उनका गोल है कि पॉलीगॉन नेटवर्क पर अधिक लोग इसका इस्तेमाल करें और नए आइडियाज़ को इनकरेज करें। इस डेवलपमेंट किट में डेवलपर्स के लिए टूल्स शामिल है, जिनसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को क्रिएट, टेस्ट और डिप्लॉय करना बहुत ही आसान हो सकता है। इस किट को ओपन सोर्स बनाकर पॉलीगॉन उम्मीद करता है कि लोग मिलकर काम करेंगे और उनका डेवलपर कम्युनिटी ग्रो होगा, जो अल्टीमेटली उनके ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इस आर्टिकल में लिखा है कि बिटकॉइन सितंबर में गिर गया, ETF अप्रूवल अक्टूबर में आने वाला है। एनालिस्ट के अनुसार इसमें बातचीत होती है बिटकॉइन की हालात और आने वाले महीने में ETF अप्रूवल के होने का इम्पैक्ट पर। सितंबर में बिटकॉइन की कीमत में कमी आई थी। एनालिस्ट अब अक्टूबर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बिटकॉइन ETF की वैल्यू होने से क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में काफ़ी बड़ा असर हो सकता है। इस आर्टिकल में स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दी गई है कि सितंबर में बिटकॉइन की कीमत में कमी क्यों आती रही है हमेशा हिस्टोरिकल पैटर्न्स में, या ETF अप्रूवल के होने से
क्या असर पड़ सकता है आने वाले फ्यूचर में, लेकिन यह मेन पॉइंट है जो पढ़ने वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।